फोटोशॉप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे ब्लर इमेज को हाई रेज इमेज कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे, उसके बाद में कोई भी इमेज हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, फोटोशॉप के अंदर हमने एक इमेज ओपन की है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है। तो ब्लर इमेज को हाई रेज इमेज कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो ये आपके सामने एक इमेज है, 100% क्वालिटी पे हमने इसको देख लिया, ये थोड़ी ब्लर नज़र आ रही है। और अब इसके बाद में हम जिस तरीके से इसको हाई रेजुलेशन में इस इमेज को बनाएंगे, एक ब्लर इमेज को, तो सबसे पहले हम इसकी डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, दो लेयर बना लेते हैं। फिर उसके बाद में हम फिल्टर में जाके गार्शियन ब्लर इसमें ऊपर वाली लेयर पे करेंगे तो ये और ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। ये देखिए, अब ये और ज़्यादा आपको ब्लर दिखने लगी है। तो अब हम वापस से फिल्टर में जाएंगे, फिर अदर में जाएंगे और हाई पास करवाएंगे। हाई पास करवाएंगे तो आपको ये ग्रे कलर में दिखाई देगी। तो अब हम इसका 2.5 2.4 जो अपने को रखना है वो रख सकते हैं हाई पास के लिए। ये देखिए, अब इसमें ये ग्रे कलर में लाइनिंग आ गई। और अब हम लेयर के ऊपर से ओपेसिटी कम करेंगे तो ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद में हम ऑप्शन में जाके इसको ओवरले कर देंगे तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी। ये देखिए, हमने ओवरले किया लेयर में जाके, और यहाँ से अपन चेंज भी करके देख सकते हैं। और डुप्लीकेट लेयर बना दी हमने इसकी, वापस हटा देते हैं इसको। और अब ओवरले किया तो आप देखिए इसमें चमक ज़्यादा है। और अब हमने इस इमेज को सेव कर लेना है। सेव करके इस इमेज को, पहले वाली को बिफोर और बाद में जो हमने इमेज बनाई है उसको आफ्टर लिख के हम इसमें कंपैरिजन करेंगे कि ये ब्लर इमेज से हाई रेजुलेशन इमेज किस तरीके से बन गई। ये देखिए, ये ब्लर दिख रही है और ये ब्लर, और ये वाली हाई रेज इमेज है। ये आपको माइनर दिखेगा। धन्यवाद दोस्तों।